अगर आपका गैस इंस्टेंट गीजर कम प्रेशर पे ऑन नहीं होता तो इसका क्या वजह है, या अगर आपका गैस इंस्टेंट गीजर जो है आउटपुट कम प्रेशर दे रहा है, या आपका गैस का इंस्टेंट गीजर ऑन हो जाता है और थोड़ी देर बाद फिर बंद हो जाता है, और या आपका गीजर ठीक ऑन हो रहा है और इसका प्रेशर भी ठीक आ रहा है लेकिन पानी कम गर्म करके दे रहा है, तो इन सारी चीजों का तरीका मैं आप लोगों को इस वीडियो में सिखाऊंगा। वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको समझ आ जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हलीम और आप देख रहे हैं हलीम टीवी। दोस्तों ये वीडियो का पार्ट टू है, पार्ट वन पे आप लोगों ने यही सवाल कमेंट किए जो मैंने आप लोगों को पहले बताए, तो इस वीडियो में प्रैक्टिकल करके इन सारी चीजों को मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाऊंगा। अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो इसमें कुछ गलतियां हमारी अपनी है जिसकी वजह से हमारा गीजर ऑन नहीं होता, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका कम प्रेशर पे टेस्टिंग करते हैं और इसका आप लोगों को तरीका बताते हैं कि ये कम प्रेशर पे क्यों ऑन नहीं होता और ऐसा क्या किया जाए कि ये कम प्रेशर पे ऑन हो जाए। अगर आपका प्रेशर कम है तो आपको इसे खरीदना चाहिए या नहीं, तो चलिए प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने टेम्परेरी अपना गीजर दीवार पे लगा दिया है और अब मैं आप लोगों को ये बात बताने वाला हूँ कि ये कम प्रेशर पे कैसे ऑन होगा और किस सूरत में जो है ये कम प्रेशर पे ऑन नहीं होता। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये मेरे पास वाटर लेवल का पाइप है और इससे कम प्रेशर मेरा ख्याल है कि किसी घर में भी नहीं होता, क्योंकि सबसे कम प्रेशर इसका होना चाहिए क्योंकि ये बहुत छोटा पाइप है और बहुत बारीक पाइप है। तो इसको मैं आप लोगों को सामने इसके साथ लगा के और आप लोगों को इस पे टेस्टिंग करवा देता हूँ, मैं जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे इसके ठंडे पानी वाले पाइप पे मैंने एक नोजल लगा दिया है, यहाँ पे मैंने इसको वाटर लेवल वाला पाइप लगा दिया है और ये इसका दूसरा सर है और यहाँ पे जिस चीज के साथ मैं इसका कनेक्शन करने वाला हूँ आप लोग देख सकते हैं ये गैस का पाइप है और इसी में हमने पानी का कनेक्शन लिया है। इसको मैं खाली पानी के साथ टेस्ट करूंगा, कोई गैस के जरिए जो है मैं इसका आग शाग ऑन नहीं करूंगा क्योंकि मैंने खाली इसको आपको ऑन करके दिखाना है। और यहाँ पे इसकी आउटपुट पाइप में ये लोटा रख लेता हूँ ताकि पानी जो है इसमें गिरे, तो यहाँ से मैं इसका बटन ऑन कर लेता हूँ और यहाँ से मैं पानी का वाल ऑन कर लेता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये इसका पानी का वाल है, इसको मैं यहाँ से ऑन कर लेता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा गीजर ऑन हो गया है, यहाँ पे स्पार्किंग कर रहा है और ये लाइट भी ऑन है। यहाँ से मैं पानी फिर से ऑन कर लेता हूँ तो गीजर हमारा बंद हो गया है। तो अब ये लो प्रेशर पे हमारा गीजर क्यों चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसका जो वाल है ये फुल पे है, आपने ये वाल फुल पे रखना है। अगर आप इस वाल को लो पे रखोगे तो उस सूरत में आपका लो प्रेशर पे ये गीजर कभी भी ऑन नहीं होगा। मैं आप लोगों को यहाँ से प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। इसमें ये जो राइट वाला बटन होता है ये पानी का प्रेशर का होता है और ये सेंटर वाला दो बर्नर का होता है, एक लेफ्ट और एक राइट, और ये वाला जो है गैस का स्लो और तेज करने का होता है। तो यहाँ से जैसे मैं वाल ऑन कर लेता हूँ, तो जैसे यहाँ से मैं वाल ऑन करता हूँ तो यहाँ पे हमारा गीजर ऑन होता है। और अब जब मैं इसका प्रेशर स्लो कर दूंगा, यहाँ से बटन से मैंने इसका प्रेशर स्लो कर दिया और अब मैं इसको ऑन कर लेता हूँ तो हमारा गीजर ऑन नहीं होता आप लोगों के सामने है। जैसे मैं यहाँ से प्रेशर बढ़ाऊंगा तो हमारा गीजर ऑन होना शुरू हो जाएगा, आप लोगों को लाइट नजर आ रहा है। पहला पॉइंट आप लोगों ने इसका ये देखना है, अगर आपका ये वाला बटन स्लो पे है तो उस सूरत में जो है आपका गीजर कभी भी ऑन नहीं होगा स्लो प्रेशर पे। तो इसको अगर आप इस तरह लेफ्ट साइड पे घुमाओगे तो इसका प्रेशर बढ़ जाता है, आप इसको राइट साइड पे घुमाओगे तो इसका प्रेशर स्लो हो जाता है। तो इसका आपने पहले ध्यान रख लेना है, तो इससे जो है आपका जो गीजर है वो कम प्रेशर से भी ऑन होगा। तो इसका सबसे मेन मसला ये होता है, अक्सर लोगों को ये पता नहीं होता, तो इसको आपने फुल पे रख लेना है और उसके बाद चेक कर लेना है। अगर उसके बाद भी कम प्रेशर पे ऑन नहीं होता तो फिर आप लोगों ने क्या करना है कि इसका आउटपुट जो पाइप लगा होता है गर्म वाला उसको उतार के और फिर आपने चेक करना है। अगर फिर आपका गीजर ऑन होता है तो फिर आप इसके साथ डायरेक्ट टूटी लगा ले, फिर आप उसको अपने फिटिंग के साथ जोड़ के इस्तेमाल करोगे तो आपका कोई फायदा नहीं होगा। उसका वजह यह है कि जब आप इसको अपने फिटिंग के साथ फिट कर देते हैं और आपका प्रेशर लो हो तो जब आप शावर के दोनों पॉइंट खोलते हैं राइट वाले साइड से ठंडा पानी आता है और लेफ्ट से गर्म पानी आ जाता है, तो ये दोनों जब आपस में मिक्स होता है तो ये आपस में टकराता है, तो उस वजह से इसका प्रेशर जो है ऑलरेडी कम होता है, जिसकी वजह से आपस में टक्कर होने की वजह से इसकी गीजर का आउटपुट प्रेशर जो है काफी कम हो जाता है। और यहाँ से जो एन फुट वाला पानी में जो मैग्नेट होता है वो इसको इतना ऊपर नहीं कर सकता कि आपका गीजर ऑन हो सके। तो इस सूरत में मैं आप लोगों को ये दरख्वास्त करूंगा कि इस तरह गीजर आप कम प्रेशर के लिए ना खरीदे, क्योंकि ये आपको काफी मसले आ सकते हैं इसमें। इस पे आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, अगर किसी का गीजर कम प्रेशर पे नहीं चल रहा तो वो उसके ऊपर इस तरह का एक ट्राई कर ले कि इसका आउटपुट पाइप उतार के और चेक कर ले कि उस प्रेशर पे अगर उसका गीजर चलता है और फिर फिटिंग के साथ नहीं चलता तो इसका मेन मसला यही होगा कि जब पानी मिक्स होता है तो इसका प्रेशर एन फुट वाला काफी कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपका मैग्नेट सेंसर नीचे गिर जाता है, तो उस वजह से आपका गीजर दोबारा से बंद हो जाता है।
तो ये इसमें एक टेक्निकल पॉइंट है। वैसे अगर आप इसको बगैर फिटिंग का चलाओगे तो ये कम से कम प्रेशर पे चलेगा। आप लोगों के सामने है कि मैंने इसको वाटर लेवल पाइप के जरिए चला लिया है। ये तो पहला पॉइंट हो गया हमारा कम प्रेशर पे गीजर ना चलने का। अब दूसरा पॉइंट पे आते हैं कि हमारा गीजर आउटपुट कम प्रेशर क्यों दे रहा है। अगर आपके घर का प्रेशर ठीक है और उसके बावजूद आपका गीजर जो है आउटपुट कम प्रेशर क्यों दे रहा है, तो उसकी मेन वजह क्या होती है कि अगर आपने गीजर इंस्टॉल किया हुआ है और उसका कुछ टाइम हो चुका है तो इसका जो इनपुट वाला पाइप है इसमें अंदर जाली लगी हुई है। आप उसको चेक कर ले, उसमें लाजमी जो है कोई ना कोई कचरा कोई चीज फंसे हुए होंगे, जिसकी वजह से आपका जो गीजर है वो आपको बहुत कम आउटपुट देता है। और अगर आपने एक सीजन चलाया है उसके बाद आपको कम प्रेशर दे रहा है तो उसका फिर ये वजह है कि जाली भी साफ कर ले और इसका जो अंदर सारा मशीन है ये भी वॉश कर ले। और इसका अंदर पाइपिंग वॉश करने का बहुत आसान तरीका है, आप 30-40 रुपए वाला नॉर्मल तेजाब ले, एक पाइप में डाल ले और दूसरे पाइप से निकाल ले, लेकिन उसको आपने बहुत एहतियात से करना है कि वो तेजाब आपसे इसके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में और गैस वाल में न जाए, इससे ये चीजें खराब हो सकती है। वो बहुत एहतियात वाला काम है, उस पर कोशिश करें अंदर से सफाई कर ले तो इसका प्रेशर काफी बेहतर हो जाएगा। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि आपका प्रेशर भी ठीक आ रहा है और गीजर जो है पानी कम गर्म कर रहा है, वो क्या मसला होता है। ये सबसे टेक्निकल पॉइंट है और ये भी यही पॉइंट है कि अगर आपका गीजर इंस्टॉल हुआ है आपके घर में और एक आपके दो बाथरूम है, तो आपके एक बाथरूम में आपने गीजर के आपके एक बाथरूम में आपने शावर के लेफ्ट और राइट की टूटी खुली छोड़ दी, तो उसमें क्या होता है कि जब आप दूसरे बाथरूम में जाते हैं और यहाँ पे आप लेफ्ट वाला टूटी खोलते हैं गर्म वाला, तो उसके साथ आपका गीजर ऑन हो जाता है लेकिन पानी कम गर्म आता है और प्रेशर उसका काफी ज्यादा होता है। उसका वजह यह होता है कि आपके इस साइड वाले बाथरूम में जो आपने दो लेफ्ट राइट वाले टूटी खुली छोड़ दी है उसके राइट वाले साइड से पानी निकलता है और लेफ्ट वाले में अंदर जाता है, तो वो जाके दूसरे बाथरूम में प्रेशर से निकलता है और कुछ आधा पानी गीजर से आके आपके बाथरूम में निकलता है, तो वो पानी ऑलरेडी मिक्स हो जाता है जिसकी वजह से वो कम गर्म पानी आपको मिलता है और गीजर भी चलता है। तो उस पे लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमारा गीजर तो चल रहा है लेकिन पानी गर्म नहीं दे रहा और कम गर्म पानी दे रहा है और गीजर चल नहीं रहा है। तो ये आप कोशिश किया करें कि इस गीजर के साथ आप हर बाथरूम के लेफ्ट और राइट की टूटी जिस टाइम इस्तेमाल करोगे उस टाइम उसी को बंद करोगे, वरना आपका जो पानी है वो उसी तरह ठंडा ही आएगा और गीजर भी चलेगा। और ये इसका बेहतरीन हल है कि आप हर बाथरूम का लेफ्ट राइट टूटी बंद किया करें। अब आपका गीजर थोड़ी देर बाद बंद हो जाता है, यानी चल जाता है थोड़ी देर बाद बंद हो जाता है, तो इस सूरत में भी दो मसले हो सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है और दूसरा पार्ट भी यही शावर बाथरूम वाला है। तो चौथे पॉइंट में मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि आप अपने बाथरूम का जो दोनों फैन है वो बंद रखें। उसका भी यही सेम प्रोसेस है कि आपने अगर एक बाथरूम में आपने टूटी खोली छोड़ दी है और दूसरे बाथरूम में आप गर्म पानी इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो जैसे आप टूटी खोलते हैं तो आपका गीजर ऑन हो जाता है और थोड़ी देर बाद फिर बंद हो जाता है। जब टूटी आप खोलते हैं तो प्रेशर से इधर से पानी गीजर से थोड़ा सा गुजर के आउटपुट में चला जाता है, जिसकी वजह से सेंसर से गीजर ऑन हो जाता है और फिर बंद हो जाता है। तो पानी जो है हमेशा शॉर्टकट से गुजरता है या बड़ी सुराख से गुजरता है। तो आपके शावर के जो टूटी है उसका सुराख में अंदर जो पाइपिंग है वो आधी का है और इसका जो है एक बटचार का है, तो वो वहां से जो है प्रेशर से निकल के उस बाथरूम तक चला जाता है और इस इतनी लंबी पाइप से गुजरने के बजाय वो उधर शॉर्टकट से जो है दूसरे बाथरूम में चली जाती है। तो ये आपका जो सेंसर है इसको थोड़ी देर के लिए ऑन कर देता है और फिर बंद हो जाता है। तो ये मैं आप लोगों को ऐसे नहीं बता रहा, इसको तकरीबन आज से 2-3 साल पहले मैंने इसके बहुत सारे केस खुद हल किए हुए हैं और इसी तरह घरों में जाके मैंने लोगों को समझाया हुआ है कि इस गीजर में बस बेसिकली कोई पार्ट नहीं है, गलती आप लोगों की अपनी है जो कि आप लोगों ने दूसरे बाथरूम में टूटियां खोली हुई है, तो इसकी वजह से आपका गीजर थोड़ी देर बाद बंद हो जाता है। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है वो किसी को हाथ समझ नहीं आ रहा, ये एक बहुत बेहतरीन पॉइंट है। तो अगर आपका गीजर का सारा सिस्टम क्लियर है, मतलब आपने कोई फिटिंग के साथ कनेक्ट नहीं किया और यहाँ से आपने इसको इनपुट दिया और यहाँ से आउटपुट पाया पानी निकाल दिया लेकिन आप गीजर को ऑन करते हैं और थोड़ी देर बाद बंद हो जाता है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट कौन सा होता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वो किसी गीजर में आते हैं, जिस गीजर में ये हीटिंग वाला जो सेंसर होता है वो इस जगह पे होता है, तो उस गीजरों में ये मसला आता है। और इसको भी मैंने प्रैक्टिकली किसी बंदे के लिए करवाया है क्योंकि उसके ये तारे जो है जली हुई थी, उसके बाद जब मैंने उसको ठीक कर दिया तो उसके बाद जो है गीजर स्टार्ट हो गया। मैं आप लोगों को जूम करके इसका वो पार्ट दिखाता हूँ। तो इस गीजर में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये आउटपुट वाला पाइप है और इसके ऊपर यहाँ पे ये एक टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है हीटिंग के लिए। जब आपका पानी 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है तो ये ऑटोमेटिक आपके गीजर को ऑफ करवाता है। तो कुछ गीजर ऐसे होते हैं कि उसमें जो है ये यहाँ पे लगा होता है इस जगह में, तो यहाँ पे इस बाड़ी के साथ इसका वायरिंग लग के जो आग के जरिए जो है जल जाते हैं, जिसकी वजह से वो 4-5 सेकंड बाद जो है ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो उसका हल ये है कि आप उसकी वायरिंग रिन्यू करवाएं और रिन्यू करवाने के बाद जो है आपका ये मसला ठीक हो जाएगा।
तो दोस्तों जितने भी इसमें टेक्निकल पॉइंट थे पिछले वीडियो के हवाले से वो सारे मैंने आप लोगों को दे दिए। और इसके आगे अगर आप लोगों के कोई सवाल है मेरे इंस्टाग्राम आईडी का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके तुम उसे कांटेक्ट करके और कोई भी सवाल कर सकते हैं। चलो अगर कोई और सवाल है तो कमेंट करके बताएं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरेस्टेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।